मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर स्थानीय नगरपालिका परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने शिरकत कर सभी से शपथ दिलवाई। वहीं शहीदों के परिजनों का सम्मान कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश के होम मिनिस्टर बाला बच्चन ने कमलनाथ सरकार के कुछ ही समय में प्रदेश हित में किए जा रहे कामों का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारी सरकार ने जो वचन दिए हैं उन्हें तेज गति से निभाया जा रहा है, जिसमें रेल लाइन, मेट्रो जैसी सुविधाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। वहीं किसानों के साथ भी सरकार खड़ी है, किसानों का कर्ज भी माफ़ किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अब कहाँ हैं? जब किसान बेहाल हो रहे हैं तो साइकिल से निकल जाते थे, धरने प्रदर्शन होते थे, अब उन्हें किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भैया, ये स्थापना दिवस का बड़वानी आए थे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे उन वचनों पर हम लोगों ने बखूबी काम करना शुरू किया है। उसमें चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, किसानों की खेती के बिजली के बिल हाफ वाली बात हो, घर के जो बिजली के बिल 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, या फिर 51,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शादियों की राशि देने की बात हो, पेंशन राशि डबल कर देने की बात हो, ये तमाम काम तो हम लोगों ने किए। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम, जैसे हम लोग जिससे जो लाभान्वित होंगे, वर्षों से हमारी जो एक इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन पेंडिंग पड़ी थी, जिससे कि मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र से ज़्यादा भी निमाड़ और मालवा वालों को उस लाइन शुरू होने से निमाड़ मालवा वालों का बहुत ज़्यादा लाभान्वित एरिया होगा। पूर्व की सरकार वर्षों से लगभग जो मध्य प्रदेश का अंश जो लगाना चाहिए था वो लगा नहीं पाई थी। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में 2-3 कैबिनेट मीटिंग के पहले करीब 468 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा जो हमें जो देना चाहिए था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन करके वो राशि उपलब्ध करा दी गई है। तो चाहे इसकी बात हो, इंदौर या भोपाल जो मेट्रो ट्रेन की उपलब्धि की बात हो, या अभी अभी जो बहुत जल्द इंदौर में एक मध्य प्रदेश मैग्निफिशेंट का जो कार्यक्रम हुआ था उसकी बात हो, ये सब तमाम उपलब्धियाँ एक के बाद एक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जो देते जा रहे हैं, जो मुझे मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जो याद है वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, अभी प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 63 से 64% वर्षा ज़्यादा हुई है, जिससे मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ है वो आकलन है दोनों का, जिसमें सड़कें भी है, कुछ जगह बिल्डिंगें भी है, फसलें जो खराब हुई है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोग हमारे सोर्स से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का इंतजाम किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि केंद्र सरकार को अपना जो हिस्सा जो देना चाहिए था, मिलाना चाहिए था मध्य प्रदेश के किसानों की फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए, वो दूसरे राज्यों को भारत सरकार ने वो राशि उपलब्ध करा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वो राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। तो इसके लिए भी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जिन किसानों के लिए जो व्यवस्था कराना चाहिए वो लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का इंतजाम कर लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार को हमें जो हिस्सा देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी की जो हम लोगों ने और भी जो MP की जनता को जो वचन दिए हैं उन वचनों पे बखूबी हम लोग आने वाले समय में एक के बाद एक निरंतर हम काम करते जाएंगे। और ये याद है मुझे कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री जी, जरा सी कभी कोई छोटी बात होती थी तो साइकिल से कभी वो अपने आवास से मार्केट तक आते थे, कभी उपवास करते थे, कभी साइकिलिंग करते थे और धरना और प्रदर्शन करते थे केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन आज मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पूरे ये सब मौन क्यों हो, सब चुप क्यों है, अब किसानों का दर्द और किसानों की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।